गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टुडे एग्जाम एनालिसिस टुडे आई विल डिस्कस एसोसिएशन एग्जाम टेंथ मार्च फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इन बाईल हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एंटी डिफेक्शन लो गिवन यानी कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बिदुल कानून का विरोध किया गया है तो द करेक्ट राइट आंसर इज शेड्यूल इट इज गिवेन इन द टेंथ शेड्यूल ऑफ यानी कि दसवीं अनुसूची में आपके भारतीय संविधान में दल बदल कानून का जो है प्रावधान पर, किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस बाय द 52 टू अमेंडमेंट इन नाइनटीन एटी फाइन ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ राजीव गांधी यानी कि बावनवें संविधान संशोधन के तहत इसे आपको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था उस समय के जो आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे ठीक है दिस लॉ इबल्स द डिसक्फिकेशन ऑफ लेजिस्ट्रेटर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ विच फाइनली स्ट्रॉर ग्रीप टू दॉलिटिकल पार्टीज ऑन देअर मेंबर्स ठीक है चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जबलपुर सिटी इज सिटुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर यानी कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित हैदी जबलपुर ऑकुपाइज एंड इंपोर्टेंट पैलेस एमंगस टाउन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा और नर्मदा एल्सो इज ए टर्निंग पॉइंट ऑन इट इज क्रॉस थर्टी हंड्रेड वन ट्वेंटी किलोमीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन टू तो 2022 so, में भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो द करेक्ट आंसर इज शहबाज शरीफ ठीक ऑन द इलेवेंथ अप्रैल 2022 हजार ट्वेंटी टू शहबाज शरीफ वॉज इलेक्टेड एज ए कंट्री ट्वेंटी थ्री प्राइम मिनिस्टर हाउ मनी मेजोरिटी तो वन सेवेंटी फोर वोट इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान शरीफ विल बी सर्व ए टर्म एट मोस्ट ऑफ़ आलमोस्ट वन ईयर टू फुलफिल इमरान खान इमरान खान टर्म्स अनटिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पाकिस्तान जनरल इलेक्शन थाओ द इलेक्शन मे कॉल्ड ईयर लेल यानी कि इस आपके समाज शरीफ के पहले जो आपके भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो थीं आपके इमरान खान अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ कॉन्क्रेंट लिस्ट यानी कि समवर्ति सूची का विषय नहीं है तो करेक्ट राइट आंसर इज डिफेंस 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 इज नॉट इन कॉन्क्रेंट लिस्ट इट इज एनियन लिस्ट और कौन कौन से आपके कॉन्क्रेंट लिस्ट यानी कि समर्ति सूची के विषय हैं तो फर्स्ट वन एडुकेशन फोरेस्ट ट्रेड यूनियंस मैरिज एडॉपशन एंड सक्सेस डिस आर लिस्ट ऑफ कॉन्क्रेंट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होगा तो तो करेक्ट राइट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल स्टैंड्स स्टैंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल इज नथिंग मोर देन एड्रेस ऑफ ए गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब इन थ्योरी इज वैलिड यूआरएल पॉइंट्स टू ए यूनिक रिसोर्स देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग टीम कुड नॉट क्वालिफाई इन द फिफ्टीन सीजन ऑफ आई पी एल यानी कि पंद्रहवीं आई पी के पंद्रहवें सीजन निम्नलिखित में से कौन सा टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी तो जो दोस्त टीम फर्स्ट वन चेन्नई सुपर किंग्स नॉट क्वालीफाई सेकेंड वन मुंबई इंडियंस नॉट क्वालीफाई सनराइजर्स हैदराबाद नॉट क्वालीफाई पंजाब किंग्स इलेवन नॉट क्वालीफाई बट कौन कौन सा टीम क्वालिफाई किए हैं तो फर्स्ट वन आपके गुजरात टाइटन्स क्वालिफाई किए थे इसके अलावा आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स दिस टीम्स आर क्वालिफाई इन फिफ्टीन सीजन्स ऑफ आई पी एल एंड हु टीम ऑन द फिफ्टीन सीजन आई पी एल देन गुजरात गुजरात हैं जो कि आपकी फिफ्टीन सीजन्स आई पी एल आपकी जीत गए थे ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल्स हैज हरियाणा ऑन इन द फोर्थ खेलो यूथ इंडिया गेम्स तो फोर्थ खेलो यूथ गेम्स में हरियाणा के जितने पदक जीते हैं तो वन हंड्रेड थर्टी सेवेंस मेडल हरियाणा ऑन फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो वन थर्टी सेवन इज राइट आंसर अगला है विच कंट्री हैज़ ऑन द एफ आई बी ए वमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप यानी कि एफ आई बी ए महिला बास्केटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता है डेट्स द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका द यूएसए बास्केटबॉल ए सुमेन नेशनल टीम्स कॉमनली नॉलेज यूनाइटेड स्टेट्स वोमेंस नेशनल बास्केटबॉल टीम इज़ गवर्न बाय यूएसए बास्केटबॉल एंड कंप्लीट्स इन एफ आई वी ए अमरीकाज़ द टीम बाय द फॉर द मोस्ट सक्सेसफुली इंटरनेशनल वुमेंस बास्केटबॉल हैविंग ऑन द नाइन्थ आउट ऑफ द इलेवन ओलंपिक टूर्नामेंट इट हैड इंटर्ड एंड रनअप कौन सा टीम रहा था तो रनअप आपकी सेना रहे थे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द विच वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या तो पांड्यों की राजधानी क्या थी तो द करेक्ट आंसर इज मदुरई। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज रिसीव द व्यास सम्मान फॉर द बुक ऑफ पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक की पुस्तक के लिए किसे व्यास सम्मान मिला है द करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर शरद पगारे प्रोफेसर शरद पगारे गोट द कथक भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है कथक आपके नॉर्थ इंडिया यानी कि यूपी में प्रचलित है तो नॉर्थ इंडिया इज करेक्ट आंसर दिस वन इज रिया फ्रॉम द वर्ल्ड कथक मीनिंग स्टोरी एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड डांस एंड डांसर नेरेट नेरेटेड स्टोरीज थ्रू देयर आईज एंड एक्सप्रेशन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनियम इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ दिस स्टेट यानी मोनियाट्टम कृष्णाज का शास्त्रीय निर्थे तो मोनियट्टम या डांस ऑफ द इन स्ट्रेंस एल्सो स्पेल्ड मोनियट्टम और मोनियाट्टम सेमी क्लासिकल डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला तो कैरला इज़ करेक्ट एंसर साउथ वेस्टर्न इंडिया द डांस इज परफॉर्म बाय वुमेन इन ऑनर ऑफ़ द हिंदू गॉड विष्णु इन हीज इनक्रेशन एज द in stretched mohini our next question is how many years how many years years for how many years is PIPA 5 band so india band's popular front of india PFI full form popular front of india and it's affiliated for 5 years so 5 years answer is correct so here are the questions asked in today's first step this is so percent real and you will find its pdf on telegram channel the link is the description thank you very much for watching this video have a nice day